हिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया, भारत में सिविल एविएशन का क्या इतिहास है। भारत में सिविल एविएशन की शुरुआत होती है, बिगिंस इन 8 फरवरी 1911 विद द कमेंसमेंट ऑफ एयरमेन ओवर अ लिटिल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम अलाहाबाद टू नैनी। भारत में पहली बार जो सिविल एविएशन की शुरुआत हुई वो चिट्ठियां पहुंचाने के लिए, खत पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान इसकी शुरुआत हुई थी, एयरमेल कहलाता था वो। और भारत में सबसे पहले ये सर्विस अलाहाबाद से लेकर के नैनी तक, जो कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस है इनके बीच में, 8 फरवरी 1911 को प्रारंभ होती है और यहीं से भारत में सिविल एविएशन की शुरुआत मानी जाती है। इस एरोप्लेन को उड़ाने वाले जो व्यक्ति थे वो एक फ्रेंच पायलट थे, फ्रेंच एविएटर थे, जिनका नाम था हेनरी पिकेट। ठीक है, फिर अगले स्टेप आता 1932 में, जब जेआरडी टाटा बोन अ कॉन्ट्रैक्ट टू कैरी एयरमेल। जेआरडी टाटा को एयरमेल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जीता, माने हासिल किया, प्राप्त किया, और इसीलिए उन्होंने एक एयरलाइंस कंपनी की स्थापना की जिसका नाम टाटा एयरलाइंस रखा गया। बाद में 1946 में इसको पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाया गया और फिर 1953 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया। एयरक्राफ्ट एक्ट बनाया गया 1934 में, जिसमें भारत में एयरक्राफ्ट के रूल्स रेगुलेशन इत्यादि बनाए गए थे। नेशनलाइजेशन ऑफ एविएशन सेक्टर, पूरे एविएशन सेक्टर का भारत में नेशनलाइजेशन 1953 में किया। ठीक है, यानी 1953 से पहले एविएशन सेक्टर भारत में प्राइवेट सेक्टर के हाथों में था, उसको 1953 में नेशनलाइज कर लिया गया। 1986 में परमिशन टू प्राइवेट एयरलाइन टैक्सीज, यानी डोमेस्टिक लेवल पे एयरलाइन एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे, भी इंटरनेशनल फ्लाइट को मैं प्राइवेट कंपनीज को टेक पार्ट करने का मौका नहीं मिला। 1990 में ओपन स्काई एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया कि भारत की जो उड़ाने हैं वो किन किन देशों के ऊपर से जा सकती है और किन किन देशों के एयरलाइन भारत के ऊपर से होकर के जा सकते हैं, इसमें यह निर्धारित किया गया। 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 2008 में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की गई। फिर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 लाई गई, जिसमें डोमेस्टिक सिविल एविएशन को बढ़ाए जाने पर प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए जितने भी हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज हैं या सरकारी कंपनी है जो सिविल एविएशन की फील्ड में है, उनके लिए मिनिमम 20 फ्लाइट्स या उनके पास जितने फ्लाइट्स हैं उसका 20% डोमेस्टिक लेवल पर उनकी फ्लाइट होनी जरूरी की गई। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पर जो किराया है एयरलाइंस वगैरह का उसको कम किया गया। कुल मिलाकर के डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पॉलिसी में बनाने की बात की गई, जिसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 में लाया गया, जिसमें से हैकिंग करने वाले लोगों के लिए कठोर जो है कानूनी प्रावधान किए गए। एक संक्षिप्त इतिहास भारत में सिविल एविएशन का। वर्तमान में सिविल एविएशन की हमारे यहाँ क्या कंडीशन है, करंट सिनेरियो क्या है, इन टर्म्स ऑफ टिकट सेल या मार्केट साइज कहते हैं इसको, कितनी टिकट बेची जा रही है या उसका मार्केट साइज कितना है, इसके रिस्पेक्ट में इंडिया वर्ल्ड में डोमेस्टिक मार्केट में 3rd नंबर का और इंटरनेशनल टिकट के कंटेक्स्ट में 4th नंबर का एयरलाइंस जो इंडिया है का जो सिविल एविएशन है वो डोमेस्टिक में 3rd और इंटरनेशनल पे 4th रैंक पे है। और एक संस्था आईटा, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसने बताया कि 2025 तक भारत 3rd नंबर पे आ जाएगा। अभी 3rd नंबर पर यूके है। ठीक है, चलिए अगली बार हम देखते हैं पैसेंजर ट्रैफिक, भारत में कितने पैसेंजर आते जाते हैं। 2019-20 का आंकड़ा हमारे पास है, 341 मिलियन डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों पैसेंजर, साल भर में 341 पैसेंजर आते जाते हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। इसमें से डोमेस्टिक पैसेंजर थे 247 मिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है, और इंटरनेशनल 67 मिलियन, जो कि काफी कम है, माने इंटरनेशनल पैसेंजर हमारे यहाँ काफी कम आते हैं। इस 341 मिलियन को भारत सरकार 2037 तक बढ़ा करके 520 मिलियन करने का लक्ष्य रखी हुई है। एक और जानकारी यहां पर लिखी है कि ये जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी इंडिया में, ये तो डोमेस्टिक थी इलाहाबाद से नहीं, लेकिन फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया में 1912 में हुई थी दिल्ली से कराची। हालांकि उस समय यह भी डोमेस्टिक था, लेकिन आज ये इंटरनेशनल है। ठीक है, अब हम देखते हैं FDI पॉलिसी सिविल एविएशन के सेक्टर में क्या है।
तो 100% सिविल एविएशन में है ऑटोमेटिक रूप से किन किन चीजों में, MRO एंड ग्राउंड हैंडलिंग। MRO का मतलब होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑपरेशन, MRO। तो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में, उसके रिपेयरिंग में 100% है, और ग्राउंड हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग माने एयरपोर्ट से हवाई जहाज जब उड़ने लगती है तो उसके पहले की सारी प्रोसेस को ग्राउंड हैंडलिंग कहा जाता है। हेलीकॉप्टर्स और सी प्लेन्स पर भी 100% ऑटोमेटिक रूप से FDI है और उनमें कोई कंडीशन नहीं है। फिर है शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट, शेड्यूल्ड माने जो इंटरनेशनल लेवल की एयरपोर्ट्स हैं की जो एयर फ्लाइट्स होती हैं। फिर रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है हम समझेंगे। इन चारों पर 100% FDI तो है, लेकिन 49% तक गवर्नमेंट रूट से है, और उसके बाद यदि ज्यादा FDI कोई कंपनी लेके आ रही है तो उसको गवर्नमेंट रूट के माध्यम से परमिशन मिलती है। ठीक है, फिर एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में कोई मेंटेनेंस डेवलपमेंट का काम है तो उसमें 100% FDI है, लेकिन 74% तक ऑटोमेटिक रूट है, 74% के ऊपर गवर्नमेंट रूट लग जाता है। तो इस प्रकार से सिविल एविएशन की फील्ड में FDI की क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमने ये समझ लिया। ठीक है, फ्लीट साइज यानी भारत में कुल कितने एरोप्लेन्स हैं जो सिविल एविएशन की फील्ड में एंगेज्ड हैं, 560। इसकी संख्या हमें बढ़ाकर के 1100 करनी है 2027 तक, ऐसा भारत सरकार का टारगेट है। फ्रेट ऑन इंडियन एयरपोर्ट्स माने हमारे यहां जो एरोप्लेन्स वगैरह होती है वो कितना फ्रेट, कितना माल होती है प्रति साल, 4.5 मिलियन टन। इसको हम 11.4 मिलियन टन करने वाले हैं 2032 तक, ये लक्ष्य हमने सरकार ने या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने तय किए। नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, वैसे तो एयरपोर्ट्स प्लस एयर स्ट्रिप्स सब मिलाकर के इनकी संख्या है 450, लेकिन केवल एयरपोर्ट्स की बात करें तो उसकी संख्या है 145, और उनमें से भी ये वे एयरपोर्ट हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, माने जो किसी स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। इसकी संख्या 2030 तक बढ़ाकर के 250 करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा हुआ है। भारत का जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, बोथ डोमेस्टिक मामले में भी और इंटरनेशनल मामले में भी, वो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, हब ऑफ एविएशन मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन से रिलेटेड हवाई जहाज और हवाई जहाज के कलपुर्जे इत्यादि बनाने का जो हब है भारत में वो है बेंगलोर। भारत में 65% एविएशन मैन्युफैक्चरिंग का काम बेंगलोर में ही किया जाता है। लार्जेस्ट एयरलाइंस, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज के आधार पर, सबसे पहला इंडिगो माने सबसे ज्यादा सवारियां इसमें यात्रा करती हैं, दूसरे नंबर पे जेट एयरवेज, तीसरे नंबर पे एयर इंडिया, चौथे नंबर पे स्पाइस जेट, पांचवें नंबर पे गो एयर एंड विस्तारा, और छठवें नंबर पर एयर एशिया इंडिया। ये 6 भारत की बड़ी एयरलाइंस है इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है सिविल एविएशन को रेगुलेट करने के लिए, तो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 29 और आर्टिकल 246, अगर इन दोनों को मिलाकर के पढ़ा जाए तो उसका यह निष्कर्ष निकलता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विल हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन टू लेजिस्लेट इन रिलेशन टू, यानी भारत की पार्लियामेंट को निम्नलिखित मामलों पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव राइट होगा। एक्सक्लूसिव माने नो अदर बॉडी कैन रेगुलेट ऑन इट, यानी कोई दूसरी बॉडी इन मामलों में कानून नियम नहीं बनाएगी। ये कौन कौन से मामले हैं जिनमें पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है, एयरपोर्ट्स के लिए जो भी नियम कानून है पार्लियामेंट बनाएगी, यानी यूनियन गवर्नमेंट का मामला है, एयरक्राफ्ट्स, एयर नेविगेशन, एरोड्रोम्स, रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयर ट्रैफिक एंड ऑफ एरोड्रोम्स। तो ये सारे विषय यूनियन लिस्ट के 29 और आर्टिकल 246 दोनों को मिला करके यदि साथ में पढ़ा जाए तो ये उसका निष्कर्ष निकलता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल एविएशन का ये प्रोविजन दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सिविल एविएशन की फील्ड में काम करती है। पहली है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO। इसकी स्थापना 1944 में किया गया था, हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल में है, और ये जो संस्था है ये किसके अंतर्गत काम करती है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, UNECOSOC कहते हैं इसको, ठीक है, यूनेस्को सॉक नहीं पढ़ना है,
यूएन इकोसॉक इसको पढ़ा जाता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन की एक जो है विंग है, बॉडी है, ठीक है, बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका काम क्या है, इट फ्रेम्स प्रिंसिपल्स टेक्नोलॉजिकल एंड सेफ्टी ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए क्या नियम कानून है ये बनाती है, उनके तकनीक के बारे में नियम कानून बनाती है और उसकी सुरक्षा से संबंधित नियम कानून ये संस्था बनाती है। भारत इस संस्था का फाउंडिंग मेंबर है, वर्तमान में इसके टोटल मेंबर है 193, जिनमें से 192 मेंबर यूएन के हैं और एक ऐसा मेंबर है जो यूएन का नहीं है और वो है कुक आइलैंड। यूएन के टोटल मेंबर है 193, तो ऐसा कौन सा मेंबर है जो उसमें यूएन का मेंबर है लेकिन इसका मेंबर नहीं है, वो है लिचस्टीन। और इसका कारण ये है कि लिचस्टीन के पास कोई भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, इस ICAO ने एक कन्वेंशन बनाया है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, और ये कन्वेंशन आया 1948 में। अब हाल में इसके द्वारा ICAO के द्वारा एक और काम किया जाने लगा है, ड्रोन रेगुलेशन। ड्रोन्स क्या होते हैं हम सब जानते हैं, वो छोटा सा एक कैमरा लगा होता है उड़ने वाला, ठीक है। तो ये ड्रोन्स रेगुलेशन का काम भी अब इंटरनेशनल लेवल पर ICAO करती है, ठीक है। भारत में ये काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, ठीक है। चलिए, दूसरे नंबर के इंस्टीट्यूट पे हम आते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA, शॉर्ट में इसको आईटा पढ़ते हैं। 1945 में इसकी स्थापना की गई, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है और उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिस जेनेवा में है। इसके को मेंबर्स जो होते हैं वो कंट्री नहीं होते, इसके मेंबर एयरलाइंस होती है, ठीक है। तो दुनिया भर की 290 एयरलाइंस इसके मेंबर हैं जो 120 देशों से आते हैं, ठीक है। इट सपोर्ट्स, इसका काम क्या है, इट सपोर्ट्स एयरलाइन एक्टिविटी एंड हेल्प्स टू फॉर्मुलेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। एविएशन सेक्टर में, एविएशन इंडस्ट्री के मामले में नीति निर्माण बनाने में यह संस्था काम करती है और दूसरे देशों की जो इसके मेंबर हैं उनकी मदद करती है, ठीक है। तीसरे नंबर की जो इंटरनेशनल संस्था है, सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये सिविल नेविगेशन में हेल्प करती है, इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में है। चौथे नंबर पे एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एयरपोर्ट्स के लिए नियम कानून बनाती है, एस्टैब्लिश किया गया 1991 में, हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, ठीक है। इस संस्था के द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट एयरपोर्ट हर साल डिक्लेयर किया जाता है, और ये जो है अमेरिका को पिछले लगभग 12-15 साल से अमेरिका का एयरपोर्ट है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उस एयरपोर्ट को लगभग ये मिलते जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एविएशन से जुड़े हुए आंकड़े, एविएशन स्टेटिस्टिक भी हर साल यही संस्था जारी करती है, जिसमें दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, ये तमाम आंकड़े इस प्रकार से इस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसके द्वारा जारी कुछ आंकड़े 2019 में हैं, जो इन्होंने आंकड़े जारी किए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चल देन, थैंक यू।